तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट एंड हाइलाइटेड पॉइंट्स रिगार्डिंग एई एंड जेई रिक्रूटमेंट, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर जो केपीटीसीएल में जिन्होंने अप्लाई किया था, उनकी जो एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के बारे में जो कुछ क्या क्या हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शन है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथुन, और शुरुआत करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखेंगे दोस्तों, केपीटीसीएल एक जो एग्ज़ाम है, तो एई एंड जेई यानी कि असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है, जो 23 जुलाई 2022 एंड 7 अगस्त 2022 को है। तो अभी फिलहाल यानी कि 2 या 3 दिन में, कमिंग दिन में ये फर्स्ट डे का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इस एग्जामिनेशंस का जो एग्जामिनेशन प्लेस है, वो लोकेशन और कहीं कर्नाटका में, ओनली ऑन इन बेंगलोर में है, ठीक है। जो अदर डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन का लोकेशंस नहीं दिया है फिलहाल के लिए, तो आपको मैं एग्जाम जो है बेंगलोर में होने वाला है। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, जो हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में हम इस वीडियो में भी बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, अगर ये हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शन थोड़े आप के इनकी जो केपीटीसीएल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे तो भी आपको पूरा के पूरे लिस्ट मतलब इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, मगर थोड़ा सा लेंथीएस्ट होगा, जो उसी में से ही थोड़े से शॉर्ट्स करके मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। अफिक्स टू पासपोर्ट साइज फोटोज ऑन टू टिकट्स कॉपीज, यानी कि वेबसाइट में हॉल टिकट के जब आप डाउनलोड करने के लिए जाओगे तो 2 टिकट्स आएंगे। दोनों साइड में भी आपको टॉप एंड साइड में A4 सॉरी आपके जो पासपोर्ट साइज के फोटो होंगे वो आपको अटैच करना है। और जब एग्जामिनेशन चलती होती है, तो जब इन्विजिलेटर आएंगे तो उनका सील एंड साइन आपको उसके ऊपर लेना मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टू बी प्रेजेंट 2 आवर्स बिफोर फर्स्ट बेल, यहाँ पे फर्स्ट बेल होने वाली है, उसके पहले 2 आवर्स आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में रहना है। थर्ड पॉइंट के लिए होते हैं टू बी टू ऑक्यूपाई रिस्पेक्टिव सीट्स बिफोर सेकेंड बेल, इसका मतलब ये है रिस्पेक्टिव सीट्स बिफोर सेकेंड बेल। जब फर्स्ट बेल होती है तभी आपको आपके अपने रिस्पेक्टिव सीट्स के ऊपर जाके बैठना है। जब सेकेंड बेल होगी उसके बाद आपको ये सीट्स के ऊपर जाके जाना अलाउड नहीं होगा। बढ़ते फोर्थ पॉइंट की तरफ। मस्ट बी कैरी आइडेंटिटी, यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये आपको आपके साथ रखना है, यानी कि कैंडिडेट्स आप ही हो या नहीं ये पता करने के लिए एक ये उन्होंने दिया है कि आपके साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद पैन कार्ड, वोटर आईडी यानी या पासपोर्ट, इन चीज़ों में से एक आपको कैरी करना ही है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आप उसके बाद क्या किस किन किन चीज़ों को आपको आपके साथ लेना अलाउड है, नॉट अलाउड है, वो फर्स्ट देखेंगे। उसके फर्स्ट कौन सा कुछ नॉट अलाउड है, क्या क्या नॉट अलाउड है देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट वॉच आप देखेंगे, डिजिटल रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, मोबाइल्स, ब्लूटूथ, वायरलेस सेट्स, पेपर और बुक्स, इन ये सब चीज़ों के साथ आप अंदर नहीं जा सकते। बढ़ते हैं क्या अलाउड है, तो ओनली नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स उतना ही आप अंदर ले जा सकते हैं, यानी जो पुराने वाले जो कैलकुलेटर्स होते हैं उसके साथ वो आप ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो ड्रेसिंग कोड कैसा होना चाहिए, तो ड्रेसिंग कोड्स के बारे में इन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था, तो मेन के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर्मल हाफ शर्ट्स, फुल शर्ट्स आर नॉट अलाउड, ये स्ट्रिक्टली इन्होंने मेंशन किया है। तो फॉर्मल शर्ट्स और रेगुलर पैंट्स के साथ आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा सकते हैं, ये अलाउड है। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात, लास्ट पॉइंट जो है वो नेगेटिव इवेल्युएशन, यानी कि आपको जब आप मार्क करते हो वहां पे, तो नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.25 विल बी डिडक्टेड। ओके, तो सही जस मैं मान लो आपने सही किया है, अगर आप नेगेटिव भी करते हो, अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा तो 0.25% वो सही में से डिडक्ट होगा। तो ये कुछ हाईलाइटेड चीज़ें थी दोस्तों, शॉर्ट्स में हमने ये कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आशा करते हैं और आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ई और जेई एग्जामिनेशन जो भी कैंडिडेट्स लिखने के लिए जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।